देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज यानी 17 जुलाई को मॉरिशस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा करेंगे। बता दें कि दोबारा विदेश मंत्री बनाए जाने के बाद एस जयशंकर की पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2021 में मॉरिशस का दौरा किया था। गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के लिए आज शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। बता दें कि सुबह 8 बजे से लेकर देर रात तक जुलूस की समाप्ति तक रूट डायवर्जन का प्लान लागू रहेगा। वहीं हर जगह चौराहों और तिराहों पर यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस निकालने को लेकर बिजली विभाग की ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसके तहत चास प्रमंडल क्षेत्र में आज यानी 17 जुलाई को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक व शाम 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगभग 14 घंटे बिजली बंद रहेगी। आज यानी 17 जुलाई 2024 को ज्यादातर राज्यों में मुहर्रम के चलते स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि आज मुहर्रम के खास अवसर पर ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। मुहर्रम की छुट्टी पब्लिक हॉलीडे लिस्ट में काउंट की जाती है। देश के सभी राज्यों में आज यानी 17 जुलाई को बैंकों में छुट्टी रहेगी। बता दें कि आज मुहर्रम का त्योहार है, ऐसे में इस दिन सभी राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहता है। मुहर्रम कर्बला के शहीदों का गम के तौर पर मनाया जाने वाला त्योहार है। आज यानी 17 जुलाई को मुहर्रम के अवसर पर शेयर मार्केट बंद रहेंगे। बता दें कि इस दौरान NSE और BSE दोनों बाजारों में कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी। हालांकि कमोडिटी से जुड़े डेरिवेटिव और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड डिसिप्ट EGR का कारोबार सिर्फ आधे दिन के लिए बंद रहेगा। भारत में आज यानी 17 जुलाई को रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 बाइक लॉन्च होगी। बता दें कि नई रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 में एक बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। इस बाइक में सिंगल पीस सीट मिलेगी। DLED सत्र वर्ष 2024-26 में नामांकन के लिए पहली सूची आज यानी 17 जुलाई को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करेगी। वहीं 18 से 23 जुलाई तक छात्र अपने आवंटित संस्थानों में नामांकन ले सकेंगे। बता दें कि नामांकन के बाद स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 18 से 23 जुलाई तक निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में बेहतर विद्युत संचालन के लिए आज बिजली बोर्ड की ओर से घोषित कट लगाया जाएगा। बता दें कि इस दौरान चंबा शहर, सुल्तानपुर, हरदासपुरा, मुगला, करिया, रजेरा, लुडू, कठन्ना, सरोल, राजपुरा, साहू, मरेडी आदि क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रहने का अनुमान है। बता दें कि 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 42% बारिश होने का अनुमान है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1994 में धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से टकराया था। आज ही के दिन सन 1997 में भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान पूजा सिहाग का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2002 में रूस की स्वेतलाना फीफा प्रोवा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया यूरोपीय रिकॉर्ड कायम किया था। आज ही के दिन सन 2003 में उत्तर पूर्व कांगो के दुनिया शहर में जातीय हिंसा में 54 लोग मारे गए थे। आज ही के दिन सन 2020 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।